ज्यादा शो करने का मजा कहाँ पे आता है, फैसलाबाद या लाहौर में? लाहौर में, लाहौर। लाहौर में अच्छा ज्यादा मैंने दो मजा चार आता बार है। पहले भी कह दिया, अच्छा कि आपने पूछ लिया, फैसलाबादी नाराज ना हो जिनके यार साढ़े शहर का हो गए। बिल्कुल ऐसे ही कई होंगे जनता के शायद। लाहौर दे ज्यादा मजा आता है। लाहौर इसलिए मजा आता है, फैसलाबाद में अक्सर ऐसे होता है कि बदतमीजी बहुत ज्यादा हो जाती है, ओए तू ए गालिए, मतलब ऐसे क्राउड खड़ा ना पीछे किसी ने गाली दे दी, मैंने सुन ली है कि मुझे कोई बदतमीजी किया, मैं कर कुछ नहीं सकता। 200-400 बंदा खड़ा है, अगर किसी ने पीछे कहता हो जानी फलाने, मतलब मेरी माँ को बाप को बात कर दी या एवं कुछ कर दी, होते हैं ऐसे लोग। ये आपकी इस तरह के लोग आपके मुकद्दर में लिख दिए जाते हैं, यानी मैं कहता था कि हर बारीक इंसान के हिस्से के अताई भी अल्लाह साथ उतारता है दुनिया में, उसके बिल्कुल हिस्से के ऐसे ही। बेवकूफ़ भी साथ उतारता है, और वो उसको ढूंढ लेते हैं, वो छुप नहीं सकता कहीं भी, वो उसको ढूंढ के उसकी जान दुखी उन्होंने करनी होती है और वो करते हैं। तो वो मुझे भी उन्होंने ढूंढ लिया है, काफ़ी लोगों ने इस तरह के ने, तो फिर ये होता है कि फिर वो बड़ा दिल बड़ा दुखता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इनसे ना पैसे ले रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, इनको मुस्कुराहटें दे के जा रहा हूँ। अच्छा फिर 200 में से एक बंदे ने गाली दी है तो दिल 200 से उठ गया है, ऐसे ही नेचर है होता ना है। एक उस माहौल से। अब मैं सोचूँ नहीं यार 199 तो प्यार कर रहे हैं ना, 199 के प्यार से ज़्यादा उसकी एक गाली में असर कर रही होती है आप में, ये नेचर है इंसान की, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं एक की भी से एक्सेप्ट नहीं करता। लाहौर में ऐसा नहीं होता, लाहौर में आज आपने देख भी लिया कितना बिल्कुल हमने देखा, प्यार बहुत मिलता प्यार दे रहे है, हैं। मैं थप्पड़ भी मार देता हूँ प्यार से। आज वो मियाँ बीवी थे फ्रांस के, उसकी बीवी थी, तो वो प्यार से मुझे इतना उस पर प्यार आया मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। फिर मैंने सोचा यार इसकी बीवी, फिर मैंने 4-5 चुम्मियाँ लेंगे उसकी बीवी के सामने कि भाई अगर थप्पड़ मारा है तो मैं प्यार भी इससे करता हूँ। और उन्होंने आगे से ज़रा देखो यार उनका देखो हौसला, कि मैं एक बंदे को चलो प्यार से थोड़ा ज़्यादा लग गया था, उसने ज़रा फील नहीं किया उसकी बीवी पास खड़ी है, तो ये मेरी तो वो ज़्यादती मुझे उसी वक्त फील हुआ कि फिलबदी जो काम होता है ना इसमें हो जाता है कुछ थोड़ा बहुत, इसको नेचुरल आप होता है ना सब। इसको इसमें गलती आपसे हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अगर मेरे से हो जाती है तो फिर अल्लाह पाक वो उनके दिलों में मोहब्बत इतनी डाल देता है कि वो महसूस ही नहीं करते, लेकिन मुझे भी फील हो जाता है, तो इसलिए बस चल रहा है, बस देखो आगे कहाँ जाता है ये सिलसिला। नहीं इंशाल्लाह ये बहुत आगे तक जाएगा और बहुत जबरदस्त चल रहा है। इसके साथ ही मैं आपसे पूछूंगी, ये तो अभी जो आपका शो चल रहा है वो तो अब आया, इसके पहले आपने एक बहुत हिट मूवी की थी पाकिस्तान की, डबिंग मूवी की थी बट और भट्टी के नाम से। हाँ जी उसमें जो आवाज़ें थी और जो करेक्टर थे वो इतने ज़बरदस्त थे कि आवाम अभी तक नहीं वो भूल पाई है। तो कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि वो करेक्टर आपने किया हुआ है, उसमें डबिंग जो आवाज़ है वो सज्जाद जानी साहब की है, उस बारे में कुछ बताएंगे? भट्ट और भट्टी मूवी मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा जो काम हुए ना वो हादसाती तौर पे ही हुए हैं। भट्ट और भट्टी भी ऐसे ही थी कि वो कि प्लान नहीं था, 3-4 मिनट की करनी थी हमने, 3-4 मिनट की 5 मिनट की, उसके बाद दोस्तों ने देखी, मिलके सब ने देखी, उन्होंने कहा यार आगे भी करो, यानी 5 मिनट के बाद जब वो फिल्म रुकती थी ना तो एक बहुत बड़ा जंप देखने वाला ना उसमें, वो बिल्कुल मगन हो जाता था 5 मिनट में, ऐसे ही वो होता घेर है। लेती थी 5 मिनट में बंदे को, तो 5 मिनट के बाद जब वो रुकती थी तो वो साढ़े अगे अच्छी कहना बस ओ यार अगे भी करो, मतलब ये आता था उनको, होता था कि ये अब रुकी क्यों है, वो इस लोगों के मतलब रिएक्शन या मोहब्बत से हमने पूरी कर ली, उसके बाद वो चली बहुत, तो वो एक हादसा थी क्योंकि वो हमने एक उसका बैकग्राउंड का एक हमें मिला कि यार बैकग्राउंड से इस तरह असल आवाज़ें निकाल के हम अपनी कर सकते हैं, तो वो हमने शुरू की इस तरह की, पहले छोटे छोटे क्लिप्स किए फिर पूरी मूवी हमने कर दी। अच्छा वो हो गया, उसके बाद फिर मेरा और बाटपट्टी से याद आया हसन नसार साहब, माशाल्लाह अगर मेरा ये प्रोग्राम वो देखेंगे तो जी आप श्योर, उनको देखेंगे, लाजमी जरूर दिखाइएगा, देखेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल। उनके बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो, क्योंकि उनके बारे में मैं थोड़ा सा पहले बता दूँ कि वो क्योंकि हम भी फैसलाबादी हैं, वो बहुत बारीक हैं, और बारीकी जो होती है ना ये वो मेरी बात मेरे बहुत सीनियर हैं, मोस्ट सीनियर हैं, मतलब मैं मुझे डर लग रहा है उनके बारे में बात करना, मैं इतनी उनकी इज्जत करता हूँ, कि जो बारीकी होती है ना ये अजियत भी होती है, बारीकी अजियत भी होती है, बारीकी नेमत भी होती है, और ये दोनों साथ साथ चलती हैं मेरे ख्याल से लाइफ में, क्योंकि अजियत का एहसास भी बारीकी आपको बताती रहती है, सेम टाइम नेमत का भी आपको आपको मज़ा भी देती रहती है इस बारीकी का, तो ये दोनों चीज़ें अजियत और जो है ना नेमत, ये दोनों चीज़ें आपको बारीकी फील करवाती रहती है लाइफ टाइम तक, तो मैं उनको अक्सर देखता हूँ ना, जब ज़्यादातर मैं उन्हीं को देखता हूँ, ये नहीं कि उनके उनका कर रहा हूँ मैं या इसलिए कह रहा हूँ, आप मैंने आपको कहा नहीं कि यार उनके चैनल को मैंने वॉच किया है, मैं उनकी बात सुनता हूँ, क्योंकि उनके चेहरे से लग रहा होता है कि इन्हें का वास नहीं चल रहा है, बिल्कुल ऐसे। मैं बताता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है,
मुझे ये लग रहा होता है कि बाकी सब जो है ना वो तजिया कर रहे हैं, यार भाई ये मतलब साफ पता चला था स्क्रिप्ट चल रहा है और इन्होंने सोचा हुआ है कि मैंने ये कहना है और वो कह रहे हैं। इनका इनका फेस बता रहा होता है कि इनका बस कुछ चीज़ों पर इनका बस नहीं चल रहा, ये कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ये कुछ लोगों को समझाना चाहते हैं, ये कुछ अताइयों को समझाना चाहते हैं, वो समझ नहीं रहे और वो प्रेशर वो अपने पे ले रहे होते हैं, वो उनके फेस से नज़र आ रहा होता है। उसमें वो फिर कभी कभी मतलब थोड़े से सख्त अल्फाज भी बोल जाते हैं, वो मशहूर हैं जी के अनुसार इस तरह। और बट और भट्टी, मैं मतलब उनको इतना लाइक, इतना डीपली मैं उनको देखता हूँ, तो बट और भट्टी आई तो मेरा भी झांक बाजार, वो दुलारे खान साहब और खान साहब वो लाजमी जानते होंगे, तो दुलारे खान मेरे भी बड़े अच्छे, वहाँ पे कॉमेडियन है दुलारे खान, एक करेक्टर है, वो कॉमेडियन नहीं है, वो बहुत बारीक आदमी है, यानी उस उनकी बातें स्टेज पे आर्टिस्ट ने की हैं, यानी वो उन्होंने अगर बात की ना तो लोगों ने आर्टिस्टों ने लेके वो बातें स्टेज पे की हैं। उनके एक दोस्त होते थे बग्गा, वो उनकी जोड़ी होती थी बग्गा की और दुलारे खान की, वो मशहूर हैं, आज भी मशहूर हैं, अमानुल्लाह साहब तक बड़े बड़े कॉमेडियंस उनको जानते हैं, उनसे बैठ के चनोट बाज़ार में वो बातें लेते रहे, उनकी बातें लेके। तो वो बट बटी फिल्म आई तो मुझे ना वहीं से एक बंदे ने कहा कि यार हसन निसार साहब ने रेंदे ना इतने, मैं क्या यार वो तेरे बड़े फैन है, तो मैं क्या अच्छा जी, तो मैं मुझे नहीं पता था क्योंकि बट बटी 2004-05 में आई है, उस वक्त हम बिल्कुल मतलब कख भी नहीं होते थे, मैं ले गए आवारा से लड़के, ना टीवी में पता, ना किसी को पता, ना पता एंकर क्या होता है, साफ़ी क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, इजलास क्या होता है, कख नहीं पता। अच्छा साफ़ी है, अच्छा यार हसन निसार ठीक है, अच्छा तो एक हसन एक कॉमेडियन भी हैं हमारे, हसन पता नहीं क्या नाम, मैं वो समझता रहा। बाद में जब मुझे पता चला ना कि ये हसन निसार साहब, तो मैंने कहा यार ये तो बड़े सीरियस आदमी है, इन्होंने पट पट्टी कितना पसंद आ गई, ये तो बड़े गुस्से वाले, तो जलाली जी तबीयत लग रही, तो मैं कहा अच्छा अब पता नहीं ये बात सच है कि गलत है, लेकिन मैं जो सुना कि जी वो आपको ना मिलना चाहते, वो आपके बड़े फ़ैन हैं, बट और भट्टी मूवी पर कहते हैं यार क्या बात है यार किसने ये की है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ये मैंने सुना था, अब पता नहीं इसमें हकीकत है या नहीं। तो मतलब मैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी उनसे मिलने की और मैं इंशाल्लाह मिलूँगा, लाजमी मिलूँगा, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर वो मुझे बुलाएँ, मुझे ज़्यारत का मौका दें, और बहुत ही मेरा जिस तरह आप मुझे इंटरव्यू कर रही हैं, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं जो जो देखता हूँ मुझे उनमें नज़र आता है, मैं उनसे पूछूं कि सर आप जब ये बोल रहे थे तो आपके पीछे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ वो बारीक आदमी की जो टेंशन होती है ना वो मैं समझ सकता हूँ, मैं गुजरा हूँ, बेशक उनसे बहुत छोटा हूँ, बहुत कम एक्सपीरियंस है, लेकिन कहीं ना कहीं बारीक बंदे जो होते हैं ना इनको एक दूसरे का थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर होता है, उनमें अपना आप नज़र आ रहा होता है कि यार ये बंदा मतलब फंसा हुआ है अपनी बारीकी के अंदर ही, समझा भी नहीं पा रहा, हट भी नहीं रहा कि यार चलो लाने तो भेजो भी मैं क्यों, वो मरदे तो मरण नहीं, ये भी उससे नहीं होता, बचाया भी नहीं जा सकता, वो इस दरमियानी कश्मकश में मैंने अक्सर हसन निसार साहब को फंसे हुए देखा है। बिल्कुल ऐसे।